साल 2014, उत्तराखंड की कुल देवी मां नंदा की हर 12 साल में होने वाली राजजात यात्रा गतिमान थी। देवी की डोली चमोली के वाण गांव में तय दिन को पहुंच चुकी थी और यहां से वे यात्री भी इसमें शामिल हो गए थे जो मोटर रोड से जुड़े इस आखिरी गांव तक गाड़ियों से पहुंचे थे। अगले दिन तड़के पूजा अनुष्ठान के साथ मां नंदा की डोली वाण गांव से आगे की ओर बढ़ी और रणधार होते हुए जैसे ही बेदनी बुग्याल पहुंची, देश की खुफिया एजेंसियों को इससे जुड़ी एक सूचना मिली। ये सूचना मिलते ही पूरे अमले में हड़कंप मच गया और यात्रा में आए हजारों श्रद्धालुओं के बीच कई गुप्तचर फैला दिए गए। आम यात्रियों और श्रद्धालुओं को इसकी भनक तक नहीं थी कि उनके बीच कई ऐसे तत्व भी मौजूद हैं जिनकी तलाश में देश के चोटी के जासूसों को यहां भेजा गया था। इन जासूसों को जिनकी तलाश में यहां भेजा गया था वे चीन के एजेंट्स थे और ताकलाकोट मंडी से यारसा गुम्बा की खोज में यहां पहुंचे हुए थे। यारसा गुम्बा तिब्बती भाषा में कीड़ा जड़ी को कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी क्वालिटी की कीड़ा जड़ी 25 लाख रुपए प्रति किलो तक बिकती है और इसकी खराब से खराब क्वालिटी की कीमत भी 8 लाख रुपए तक होती है। आखिर क्या है कीड़ा जड़ी, इसकी क्या खूबियां हैं जो इसकी कीमत लाखों में होती है? इन खूबियों के बारे में दुनिया ने कब और कैसे जाना और इसे हासिल करना आखिर इतना कठिन क्यों है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम अमन रावत है और आप देख रहे हैं 12 मासा का कार्यक्रम डांडी कांठी। काम की बात शुरू करने से पहले आपको कुछ याद दिलाना है। आज से 15 साल पहले यानी साल 2008 में ओलंपिक खेलों का आयोजन पहली बार चीन में हुआ था। चीन ने इस आयोजन में सबसे ज्यादा 48 गोल्ड मेडल समेत कुल 100 पदक जीते और 87 देशों की इस प्रतिस्पर्धा में वो सर्वोच्च रहा। अमेरिका इसमें दूसरे स्थान पर था। चीन की जीत में सबसे ज्यादा गोल्ड उन प्रतिस्पर्धाओं में आए थे जिसमें मुख्य रूप से इंसान के स्टेमिना या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को दमखम दिखाना होता है, जैसे मैराथन, लंबी दूरी की दौड़, मिड डिस्टेंस आदि। वैसे तो स्टेमिना या शरीर की क्षमता बढ़ाने के लिए पूर्व में कई खिलाड़ी प्रतिबंधित ड्रग्स का उपयोग करते रहे हैं, लेकिन ऐसे खिलाड़ी एंटी डोपिंग जांच में फंस जाया करते थे। शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित दवाओं के सेवन को डोपिंग कहा जाता है, लेकिन चीन ने इस जांच से बचने के लिए एक नया तरीका खोज निकाला था। वहां के खिलाड़ी एक के बाद एक गोल्ड जीत रहे थे और उनमें से कोई भी डोपिंग में भी नहीं फंस रहा था। और इसी दौरान कुछ कुछ यूरोपियन मीडिया संस्थानों में एक खबर ब्रेक होने लगी कि तिब्बत से लगते हिमालय में एक ऐसा मृत कीड़ा पाया जाता है जिसको खाने से इंसानी ताकत 3 गुना बढ़ जाती है और खून की जांच होने पर उसका पता भी नहीं चल पाता। इन खबरों से दुनिया भर में हड़कंप मच गया, लेकिन चीन ने इसे पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा बताते हुए नकार दिया। बहरहाल दोनों तरफ के आरोप और प्रत्यारोप के बाद दुनिया का ध्यान यारसा गुम्बा यानी कीड़ा जड़ी की तरफ गया और संसार भर की फार्मेसी कंपनियों ने अपने एजेंट्स इस स्पेशल कीड़ा जड़ी को हासिल करने के लिए दौड़ा दिए ताकि इस पर आगे का शोध किया जा सके और इसे बनाए गए प्रोडक्ट से जमकर मुनाफा कमाया जा सके। इस किस्से को सुनकर आपको ये तो मालूम चल ही गया होगा कि कीड़ा जड़ी आखिर क्या जादुई बला है। दिलचस्प बात यह भी है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ही ऐसे देश हैं जहां कीड़ा जड़ी पाई जाती है। पहला भारत, दूसरा तिब्बत और तीसरा नेपाल। असल में ये हिमालय श्रृंखलाओं के दोनों तरफ फैले उस इलाके में पाई जाती है जहां की ऊंचाई समुद्र तल से 3200 से 4000 मीटर तक होती है। न तो कीड़ा जड़ी इस ऊंचाई से ऊपर के इलाकों में मिलती है और ना ही इससे नीचे के इलाकों में। इस जड़ी के अवैध व्यापार की सबसे बड़ी मंडी है ताकलाकोट, जो पिथौरागढ़ जिले से लगती तिब्बत सीमा के बिल्कुल नजदीक है। ताकलाकोट को तिब्बत में पुरंग और चीन में बुरंग नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक कस्बा है जहां कीड़ा जड़ी का सबसे बड़ा अवैध व्यापार होता है। पूरी दुनिया से अंतर्राष्ट्रीय तस्कर इस जादुई जड़ी के लिए यहां पहुंचते हैं। इसीलिए यहां अब कई सारे महंगे होटल्स, पब्स और कैसीनो भी खुल चुके हैं जो तस्करों के मनोरंजन के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। वैसे उत्तराखंड के जोहार और व्यास घाटी के कई व्यापारी भी यहाँ व्यापार करने जाते हैं, लेकिन उनका व्यापार कीड़ा जड़ी नहीं बल्कि स्थानीय उत्पादों का होता है। हालांकि ये वैध व्यापार भी 4 साल से बंद है, जिसके चलते कई भारतीय व्यापारियों का ताकलाकोट मंडी में 1 करोड़ से ज्यादा का माल फंसा हुआ है। वो इसलिए कि साल 2019 में जो व्यापारी अपना सामान बेचने के लिए ताकलाकोट गए थे, वापसी में उन्होंने अपना वो सारा सामान वहीं छोड़ दिया था जो बिक नहीं सका था, इस उम्मीद के साथ कि अगले साल तो आना ही है। लेकिन कोरोना की पहली लहर में चीन ने जो सीमा बंद की वो अभी तक नहीं खुल पाई, लिहाजा पिथौरागढ़ के कई व्यापारियों का 1 करोड़ से ऊपर का सामान वहां अब तक फंसा हुआ है। बहरहाल वापस लौटते हैं कीड़ा जड़ी यानी कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस पर। वनस्पति विज्ञान की दुनिया में इसे कीट पोषी फफूंद के रूप में स्कोली कॉस्पिरेसी कुल के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक रूप से हिमालय के सब एल्पाइन क्षेत्र में 3200 से 4000 मीटर तक पाई जाने वाली यह फफूंद हैप्पी एलएस प्रजाति के परजीवी पर चिपककर पोषण प्राप्त करती है और साथ ही उसे संक्रमित भी करती है। इससे आगे की प्रक्रिया तो और भी ज़्यादा रोचक है। ये फफूंद जिस परजीवी से चिपक जाती है उसे मार देती है
और उसके सिर पर छेद कर लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी फ्रूटिंग बॉडी विकसित कर देती है। फफून का यही भाग जमीन से ऊपर निकलता है और बर्फ की चादर के नीचे दबा रहता है। गर्मियों तक ये फफून किसी बीज से निकले अंकुर की तरह दिखने लगती है। संभवतः इसी कारण से स्थानीय लोगों ने इसे कीड़ा घास या कीड़ा जड़ी कहा होगा। प्रकृति के इस बेहद जटिल खेल में भूमिगत कीट मरकर भी अपशिष्ट में नहीं बदलता, क्योंकि इस दौरान जीवित फफूंद मर चुके परजीवी के शरीर में पोषक तत्व डालती रहती है, जो कि इसे सड़ने से रोकता है। इतिहासकारों के साथ ही वैज्ञानिकों का मानना है कि यारसा गुंबा की खोज आज से लगभग 1500 साल पहले तिब्बती चरवाहों ने की थी। चरवाहों ने देखा कि उनके खच्चर और याक एक विशेष मौसम में एक घास रूपी फफूंद को खाकर अत्यधिक ऊर्जावान हो जाते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी चरवाहों की इस वनस्पति में रुचि बढ़ती गई और वे इस रहस्य को सुलझाने के करीब आते चले गए। पहाड़ में छपे एक शोध पत्र में चंद्र सिंह नेगी और लोकेश डसीला बताते हैं कि आज से करीब 500 साल पहले मिंग साम्राज्य के राजवैद्य ने इस जड़ी से एक शक्तिशाली अर्क बनाने का तरीका लगभग इजाद कर लिया था। कालांतर में परंपरागत चीनी चिकित्सकों ने इस अर्क की मिठास भरी गर्म तासीर के औषधीय प्रभाव की खोज जारी रखी। उनका मानना था कि इस औषधि के तत्व शरीर में गुर्दों के माध्यम से प्रवेश करते हैं और गुर्दों के साथ साथ फेफड़ों को भी दुरुस्त बनाते हैं। इसके अलावा खांसी, दमा, नपुंसकता, ऐंठन, जोड़ों के दर्द और लंबी बीमारी की दुर्बलता का इलाज भी इसकी महज कुछ ही खुराकों से संभव है। वर्तमान में भी इसे एक औषधीय पेय के रूप में विकसित किया जाता है, जिसके सेवन से शारीरिक दुर्बलता की क्षतिपूर्ति होती है, शरीर क्षमतावान बनता है। यह कीट वनस्पति दवा न होकर एक पूरक खाद्य ही है, जिसे उच्च हिमालय के लोग गोश्त के साथ पकाकर भी खाते हैं। यारसा गुंबा के रासायनिक विश्लेषण बताते हैं कि इसमें विटामिन B12, मेनिटॉल, कॉर्डिसेपिक अम्ल, इरगोस्टिरॉल और 25 से 32% कॉर्डिसेपिन और डीऑक्सी एडेनोसिन पाया जाता है। वर्तमान में यारसा गुंबा से कई सारी एनर्जी ड्रिंक्स भी बनाई जाती हैं, जिसके लिए कॉर्डिसेप्स की अन्य प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। उत्तराखंड में अब तक कीड़ा जड़ी सिर्फ सीमांत जनपद पिथौरागढ़ और चमोली में ही पाई गई है। इससे हजारों लोगों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके पीछे अवैध व्यापार भी बहुत बड़ा है। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी और धारचूला तहसील से लगे हिमालयी बुग्यालों में कीड़ा जड़ी मिलती है। ये इलाका 9000 से 14000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है, जहां के बुग्याल कीड़ा जड़ी उगाने के लिए आदर्श स्थितियां उपलब्ध करवाते हैं। इसका दोहन काल अप्रैल से शुरू होता है। सीमांत के लोगों को पूरे साल इस समय का इंतजार रहता है। वे अपनी टोली के साथ टेंट और बाकी सामान लेकर तय समय पर बुग्यालों में कीड़ा जड़ी निकालने पहुंच जाते हैं, लेकिन इस साल हालात ये हैं कि 90 दिन से अधिक समय तक कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच रहने के बाद भी कई लोग 500 ग्राम यारसा गुंबा भी नहीं खोज पाए। इसे बीनने के विशेषज्ञ जुम्मा गांव के चंदन सिंह के अनुसार अप्रैल से लगातार अब तक बुग्याल और उच्च हिमालय में बर्फबारी हो रही है, इसलिए कीड़ा जड़ी का उत्पादन इस साल बेहद कम हुआ है। मुझे याद नहीं कि आज से पहले इतने बुरे हालात कब हुए थे। इस साल तो रोटी की चिंता सता रही है, अब लोग वापस लौटने लगे हैं। स्थानीय ठेकेदार महेश सिंह के अनुसार यारसा गुंबा का उत्पादन कम हो रहा है। साल 2019 में इलाके में 356 किलो यारसा गुंबा का उत्पादन हुआ था। साल 2020 में ये उत्पादन गिरकर 200 किलो तक आ गया। बीते दो सालों से हर साल 2 से 2.5 क्विंटल तक का औसत उत्पादन हो रहा है, पर इस साल तो 40 किलो उत्पादन भी नहीं हुआ है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतना निराश होना पड़ रहा है। यारसा गुंबा की जानकारियों को समेटती ये रोचक स्क्रिप्ट आपके लिए लिखी थी हमारे सहयोगी मनमीत ने। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और जुड़े रहिए 12 बजे।